फिर मैं वापस थिएटर में आ चुके और हम तो चलो रिव्यू करते हैं, इसलिए सुबह सुबह 6 डिग्री में उठ के चले गए पिक्चर देखने। ये जो लौंडे अपने अपने स्प्लेंडरों पे मंकी कैप मफलर बांध के आ रहे हैं, तुम्हें किस बात की जल्दी हो रही है भाई? धूप तो निकल जाने तो पहले, अपना जादू बाद में निकाल लेना। अबे ओटीटी में भी थ्रिलर आ रहे हैं, सिनेमा में भी थ्रिलर आ रहे हैं, सारी थ्रिलर की स्क्रिप्टें यहीं लगा दोगे तो आईपीएल में कहां जाएंगी स्क्रिप्टें? खैर, 2 दिन बैक टू बैक थ्रिलर देख ली। अब मैंने कहा मेरे को थ्रिलिंग कोई चीज देखनी नहीं है, मुझे कोई चीज बढ़िया बोरिंग लगा दो। खैर, श्रीराम राघवन की नई फिल्म मेरी क्रिसमस स्टारिंग विजय सेतुपति एंड कटरीना कैफ रिलीज हुई आज सवेरे। थिएटर में मैंने देखा फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आप लोग को बताऊंगा मुझे फिल्म कैसी लगी और क्यों, बिकॉज आई एम जैन और अब ये पेड वीडियो नहीं है। What I started liking about the internet in the past 2 or 3 years, apart from all the naked content that it pushes my way, is that films ke around ab directors ki bhi baatein hone lagi hain. Film mein sirf collections, hero-heroines ke naamon par aur unke controversies ke upar nahi chalti hain, but there's also been a lot of discussion, debate around the directors and their works. In the past few years, all the directors have come up with their own individual styles aur unki ek apni following ban gayi hai jo unko unhi cheezon ke liye dekhna chahti hai. Shriram Raghavan is of course one of those directors. Johnny Gadd, बदलापुर एंड अंधाधुन, इतनी बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्टें जो ये निकाल के लाते हैं थ्रिलर्स की, इतनी तो आईपीएल के मैचेस में भी नहीं होती कसम से। सो नेचुरली जब उनकी नई फिल्म आई तो उसके अराउंड एक्साइटमेंट उनके फैन में तो काफी ज्यादा था, और मैं भी उनके फैनों में से एक हूं और मैं गया उनकी फिल्म देखने। लेकिन ये वाली पिक्चर मुझे कैसी लगी और कैसी नहीं, वो सब आप लोगों को बताऊंगा। और शुरुआत करता हूं फिल्म के पॉइंट नंबर 1 से, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म। फिल्म का प्लॉट सेट है मुंबई में, उस समय जब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। क्रिसमस का टाइम है और क्योंकि उस समय पे मॉल्स नहीं थे, इसलिए क्रिश्चियन लोगों को खुद ही क्रिसमस मनाना पड़ता था। वही एक मदर डॉटर डुओ है, कटरीना कैफ और उनकी बेटी। एक छोटा सा स्पॉइलर ये है कि उनकी बेटी बेचारी बोल नहीं पाती। मैंने कहा बताओ, आज का समय होता चुपचाप पहुंच जाते प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के पास, 2 मिनट लगते और अपने आप बोलने लगी। खैर, वही दूसरी तरफ है विजय सेतुपति। दोनों एक रात मिलते हैं, दोस्ती होती है, घूमते फिरते हैं, और उसके बाद होता है कांड। वो वाला कांड नहीं जैसा कांड तुम सोच रहे हो, वो तो आगे सीटों पे हो रहा था, सिनेमा स्क्रीन पे तो कोई और ही कांड हो रहा था। एक ऐसा कांड होता है जिस कांड में सबके सब उलझ जाते हैं। वो कांड कैसा है, क्यों है, कहां हुआ है, वो एक स्पॉइलर है, और मैं आपको भाई साहब स्पॉइलर बता ही देता, लेकिन मैं मेरी बग्गी मेरा घोड़ा कोर्ट से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं उस कोर्ट को तोड़ नहीं सकता, आई एम सॉरी। प्लॉट की बात करूं तो प्लॉट एक फ्रेंच नॉवल पे आधारित है और ठीक ठाक सही प्लॉट है। फिल्म में बहुत ज्यादा टाइम लेता है प्लॉट अपने आप को सेट करने में, और उसके बाद काफी स्लो पेस से ऊपर ऊपर बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक दो एलिमेंट को छोड़ दूं अगर, तो मुझे ओवरऑल प्लॉट में ज्यादा माइंड फक वाले एलिमेंट्स नहीं लगे, विच इज वाई मुझे प्लॉट थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा यहां पर, और उसी के साथ मुझे एंड भी लिटिल बिट अंडरवेलमिंग लगा। सो फॉर द प्लॉट इट वॉज ओके, नॉट वन ऑफ श्रीराम राघवन्स क्रेजी प्लॉट फॉर श्योर। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। फिल्म के अंदर कटरीना कैफ, मक्कल सेल्वन, विजय सेतुपति, टीनू आनंद, विनय पाठक और संजय कपूर हैं। अब इन पूरे लिस्ट में से एक थोड़ा नॉट सो ग्रेट एक्टर है, कैन यू गेस हु? इजी। खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस टू कास्ट 2 नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल फॉर अ लीड रोल इन अ हिंदी फिल्म, एंड दैट हैज गिवन अ लॉट ऑफ कैरेक्टर एंड अ डेप्थ टू देयर पर्सनल कैरेक्टर्स। उनकी हिंदी ही साफ नहीं है, दैट मेक्स फॉर अ ग्रेट कैरेक्टर ट्रेट, और मैं उनका कहीं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तुम लोग तो सालों बिल्कुल भी उनका मजाक उड़ाना डिजर्व ही नहीं करते हो, कम से कम वो ढंग से हिंदी बोल तो लेते, तुम साले कितनी तमिल बोल पाते हो? इल्ले पो विसल पोड़ो के अलावा कुछ आता है तुम्हें? पोड़ा पट्टी नाय पट सा। परफॉर्मेंस सभी की अच्छी है, विजय सेतुपति को तो कोई रोल देता वो उसमें बढ़िया लगने लगते हैं, लव्ड हिज वर्क हियर अगेन। कटरीना कैफ इज ऑल्सो डिसेंट, इन फैक्ट दिस आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज शी इज डन इन द पास्ट। विनय पाठक, संजय कपूर, टीनू आनंद छोटे छोटे रोल में से हैं, लेकिन सबने ही बहुत अच्छा काम करा है। सो ऑन द परफॉर्मेंस बिट थम्स अप, किसी की कोई बुराई नहीं कर सकता। और वैसे भी जब से मैंने वो हमाम वाला सीन देख लिया है, मुझे तो लगता है ठीक ही तो एक्टिंग करती है कटरीना कैफ, तुम लोगों ने फालतू बदनाम कर रखा है सालों से। पॉइंट नंबर 3, फिल्म्स फर्स्ट हाफ। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही पेनस्टेकिंगली स्लो है। देयर इज एन एटमॉस्फेरिक टेंशन थ्रू आउट, और उसको बहुत डिटेल के साथ बिल्ड करा गया है। दे हैव आल्सो यूज्ड अ बंच ऑफ क्लोजअप शॉट्स जस्ट टू मेक श्योर दैट यू रियलाइज एंड नोट डाउन एवरी लिटिल डिटेल दैट हैपेंस इन द फर्स्ट हाफ। इट इज ऑलमोस्ट एज इफ द डायरेक्टर इज थ्रोइंग अ चैलेंज एट यू कि मैं तुम्हारे सामने सारी क्लोज ऐसे दिखा दूंगा कि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए, और उसके बावजूद भी क्या तुम गेस कर पाते हो कि पिक्चर में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये है 7 करोड़ का प्रश्न। खैर, अगर मैं फिल्म के फर्स्ट हाफ की बात करूँ तो कहानी बहुत स्लोली मूव करती है, और जब तक इंटरवल से पहले एक
क्लाइमैक्स आता है उससे पहले बहुत ही लंबा एक्सपोजिशन हो जाता है कैरेक्टर्स का, जिसको देख के थोड़ा सा इंसान बोर हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, द ट्विस्ट इन द टर्न्स। जब भी कोई थ्रिलर पिक्चर रिलीज होती है तो आप पिक्चर के साथ साथ खुद भी काम पे लग जाते हो। ये डिसाइड करना होता भैया कि CID पुलिस पहले ढूंढ लेगी क्रिमिनल को या हम पहले अपना शातिर दिमाग इस्तेमाल कर लेंगे। मेरी बीवी जो इतने बड़ी डिटेक्टिव है, भाई साहब, किसने किसको ब्लॉक कराए, किसकी व्हाट्सएप स्टेटस कब लगाए, इससे उनकी रिलेशनशिप का स्टेटस पता कर लेती है। वो भी नहीं पता कर पाई यहाँ पे मर्डर कैसे हुआ, किसने करा, क्यों करा। बट दैट्स अ गुड पार्ट। अगर आप पिक्चर के अंदर गेस नहीं कर पा रहे हैं कि पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है, दैट मीन्स द डायरेक्टर हैज़ हिडन अ लॉट ऑफ गुड फ्लॉज वेरी वेरी वेल। एंड लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस पॉइंट कि आपको बहुत सारी जगह पर डिटेल्स दे दी गई और उसके बाद भी अगर आप गेस नहीं कर पा रहे तो दैट मेक्स फॉर अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। ट्विस्ट एंड टर्न्स इंटरेस्टिंग है, कई कई जगह पर यू डोंट सी दिस कमिंग और वो देखकर आपको मजा आता है। पॉइंट नंबर 5, दी एंड। मतलब मेरे वीडियो का दी एंड नहीं, पिक्चर का दी एंड। पिक्चर के दी एंड की अगर मैं बात करूं, जहां पर सारे पत्ते खुलते हुए सामने आते हैं, वहां पर मुझे एंड थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा। मैं चाहता था कि फिल्म वहां से भी थोड़ी और बिल्ड लो, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया था वहां पर, लेकिन वहीं पर पिक्चर खत्म हो जाती है और वही मुझे लगता है कि एंड थोड़ा सा अंडरवेलमिंग हो गया, विच इज़ वाई आई एम फोर्स टू से दैट प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ श्रीराम राघवन्स वीकेस्ट डायरेक्टोरियल वर्क्स इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। नॉट टू से कि पिक्चर खराब है या पिक्चर बोरिंग है, पिक्चर ठीक ठाक है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन लेकर आप श्रीराम राघवन की फिल्में देखने जाते हैं उस पर शायद ये खरी नहीं उतर पाएगी। अगर आप लोग के पास पैसा बहुत है या फिर कुछ बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है तो आप जाकर देखा सकते हैं पिक्चर। वैसे अगर भाई मैं आप लोग को बोलूंगा कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन अवॉइड, यू कैन वॉच इट ऑन OTT एज वेल व्हेन इट कम्स, तो बहुत जल्दी आ ही जाएगी बिकॉज आई एम नॉट अज्यूमिंग दैट विल हैव अ लॉट ऑफ रन्स इन द थिएटर। बाकी मैं इस पिक्चर को देना चाहता हूँ 3 stars out of 5। परफॉर्मेंस फिल्म की बहुत अच्छी थी, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत अच्छे थे और जो फिल्म का प्लॉट था वो भी ठीक ठाक था, सो फॉर दैट 3 stars। बाकी अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करके मुझे अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा जब आप ये फिल्म देख लें और आप बाकी भी क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को बिकॉज अब मेरा बहुत हो गया बहन चुत।